मोमोज तो अक्सर ही हम बाहर खाने जाते हैं, और आज हम देखेंगे घर पे इसे कम समय में और इजी तरीके से कैसे बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 1.5 कप मैदा लेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। डो में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें 4 क्लोव्स गार्लिक की डालेंगे, जिसको हमने पहले से कट करके रखा था। इसमें 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे और 3 कट की हुई हरी मिर्च। इसको अच्छे से चला लेंगे। 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियंस और 1/2 कप ग्रेट किया हुआ गाजर ऐड कर देंगे। इन्हें पकाते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अब हम ग्रेट की हुई 2 कप पत्ता गोभी डाल देंगे। मिक्स कर लें। हमें सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, इन्हें हमें 1 मिनट के लिए पकाना है। अब हम इसमें 1/3 कप स्प्रिंग अनियंस ऐड करेंगे। लास्ट में 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। हमने स्टफिंग को ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद ही इसमें नमक ऐड करेंगे, नहीं तो सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी। हमने जो डो रेडी करके रखा था उससे हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। पूड़ी के लिए हम जो लोई बनाते हैं उससे छोटी ही लोई रखनी है हमको। चलिए हम इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लोई ली है, उसमें सूखा मैदा लगा लिया है। अब हम इसे पतला ही रोल करना है। अगर हम इसे थोड़ा भी मोटा बेलेंगे तो मोमोज में केवल मैदे का स्वाद आएगा। अब हम इसमें स्टफिंग फिल कर लेते हैं। हमने लगभग 1.5 चम्मच स्टफिंग डाली है और इसके किनारे किनारे पानी लगा लेंगे। अब हम इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे और एक के ऊपर एक करके इस तरह से चिपकाते जाएंगे। हमें इसको दोनों तरफ से करना है, ये देखिए, और बीच में लाके हल्का सा प्रेस कर देना है। हमारा एक मोमो बनके तैयार हो गया है। बाकी के मोमोज भी हम इसी तरह से बना लेंगे। अब हम एक पैन में पानी गरम करेंगे और इसमें स्टीम करने वाला बर्तन रख देंगे। इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अपने सारे मोमोज इसमें रख देंगे। इसके बाद लिड बंद करके 10 मिनट तक के लिए इसे कुक कर लेंगे। 10 मिनट बाद हम इसका लिड हटा देंगे। ये देखिए, मोमोज बनके रेडी हो गए हैं। इसको हम चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक थम्स अप तो बनता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।